हम अपने साथ मासी को लेके आए हैं ट्रोले की घसीटने के लिए। आखिरी रोजा, आखिरी इफ्तारी, डंडा मेहंदी लगा के दो हैंपर। चले हैंपर हेलो ओए इतनी प्यारी प्यारी मेहंदी हैप्पी चांद रात। आप गिफ्ट करते जब आपको किसी से बहुत ज्यादा बदबू आती है। ये बहन बहुत सारी मेहंदी खराब होगी। मेहंदी हमारी अभी तक नहीं आई, लेकिन मैं जो हूँ अभी अपने मास्क लगाने लगी, हेयर मास्क योगर्ट स्पेशल और बीच में थोड़ा सा लेमन डाल के। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी साथ अपनी तैयारियों में शामिल करूँ और लेट्स स्टार्ट हमारी चांदरात की तैयारियाँ। बहुत तेज हो रहा है, आखिरी रोजा, आखिरी इफ्तारी, और यहाँ पर रही फातिमा की स्पेशल स्पेगेटी, वो रही मेरी स्पेशल डिश, और यहाँ पर है पोप्सी का स्पेशल पकौड़ा, चिकन पकौड़ा। तो ये रहा हमारा खीरे वाला स्पेशल रायता। लास्ट रोजा है ये, लास्ट इफ्तारी है। अल्लाह ताला को पता है ये पाकिस्तान के मौलवी हूँ। आप क्या कह सकते हैं, आप बताइए अपनी टिप्पणी। मेरा तो ख्याल है 12 बजे बंद चलेगा, जब ईद खत्म हो जाएगी, जब चांद रात खत्म हो जाएगी तब ऐलान होगा। प्लीज अब आप अपने अपनी तैयारियां पकड़ लें, तब ऐलान करेंगे। बिल्कुल, खैर अभी हम भी इफ्तारी करने लगे हैं, आपसे मिलते हैं इफ्तारी के बाद। दीनू पोप्सी का इंतजार कर रही है बैठ के बाहर, पोप्सी अभी थोड़ी देर तक आएंगे। आप लोगों में से कोई मुझे सीरियसली क्यों ले रहा है? मामा मैं कह रही हूँ चांदना तो जानी है ना, फातिमा उठ रही है ना वो भूत नहीं उठ रही है, आप इस भूत को चेक कर लें। मामा कैसे बता आपको जवाब दे दिया कि पाकिस्तानियों की गाली इतनी होगी, इनको मैं तुझे जवाब है मामा। तो मैं तुम्हें मेहंदी ले ले अभी ले आप पक्की बात है ना, मेहंदी ले अभी अभी जाओगे आप। पोप्सी को एक बार फोन करो, पोप्सी को चेक करें आते हुए शायद। ओके कह दो फिर पोप्सी को, फातिमा भी पास दो, उठ ही नहीं कह जाओ फातिमा फोन उठाओ और इस भूतनी को भी रेडी कराओ। फातिमा चलो निकलो, उठो फटाफट झटपट। चुया आपकी ईद नहीं है, आप पीछे छो रही हो, चलो उठो। चू 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 मुरब्बा। मम्मा पोप्सी आ गई, दीनू पहले पहुंची हुई है। पोप्सी पहले बताओ सबसे कि आपको मारी मेहंदी मिली है कि कोई नहीं मिली? मिल गई, मिल गई सच्ची में, ये मिली। मामा डंडना मंगाई है, मारी मेहंदी मिल गई, मिल गई, मिल गई मेहंदी है। कलर नहीं मैंने चेक किया था, पोप्सी ने खोल के देखा, मुझे लगता है यकीनन पोप्सी कल रोजा नहीं है, आज चांद रात है। कब किसने कहा? वो टीवी में कह रहे हैं। लो हो सुन लो, ये तो हमारे साथ पचका हो गया ना। मैं तो तुम्हें पहले कह रही थी ये नहीं हो सकता। सारी सारी तैयारी, सारी तैयारी खराब हो रही है। ऐसा हुआ है और ऐसा ही होगा। नहीं होगा, तुम इसको कलर चेक करो कितना है, कलर तो दिखा दो कि आया भी है। बीमारी है अब मेरे को उसको साफ। देखो कलर चेक कराओ मम्मा, कलर तो पोप्सी सही ले आए हैं, वो देखो जबरदस्त है ना। चलो मेहंदी लगाए हम, ओए सुई निकल गई। लो और सुन लो, यार नहीं लग रही मुझे जो सारी है रंग के है ना। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी ईद पे गंदबले की शॉपिंग करने के लिए, हमने कुछ चीजें लेनी। जब पता ईद पे हमारी कैश एंड मार्ट बंद होती है, तो हम लोग ईद हमारी असल में ना आज से शुरू हो जाती है। चांद रात के दिन हम लोगों ने जाना होता है चीजें खाने के लिए, जाओ बचपन में गंदमच खाते थे ना हम लोग, वो लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग। पोप्सी जो है वो निकल गए हैं गाड़ी लेकर, और बस उनका पर्स आ रहा है क्योंकि पर्स के बगैर तो काम नहीं है ना। तो बस निकलते हैं शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग। हम अपनी अंदर जाते हुए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए, हम लोग टूट पड़ना है हमने शॉपिंग के लिए। तो भी ले लेते हैं, बड़ी गलत जगह लेके आ गए हैं इनको, है टोकरी इन्होंने भर लिया, अभी भी चीजें देख रहे हैं ये लोग। मैं इतनी सारी चीजें आप लिए जा रहे हो, इतनी सारी चीजों को क्या करना है? बिस्किट मेरे कद्दू के भी है ना बीच में, इसमें भी हमसे ज्यादा प्रोटोकॉल तो कर लूगा भाई। अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें निकाल रही है,
ये तुमने स्टिंग किसके लिए निकाली है? ये येलो किसकी है? नहीं मतलब हमारा क्या? येलो ले लो। हम अपने साथ मासी को लेके आए हैं ट्रोले की घसीटने के लिए है मामा। मैंने भाई अंदर खड़े खड़े इतने परफ्यूम सूंघ लिया कि वो मेरे दिमाग को चढ़ गए। ऐसा लग रहा है मैंने कुछ शदीद किस्म का ना स्वेर नशा कर लिया। मैं कहा मैं जा रही हूँ गाड़ी में, आप लोग बिल करवा के आओ इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। खोल दिए अगर आप बाहर देखो बहुत रश है। डिग्गी में पानी की बोतलें होने के कारण हमने सारा सामान जो है ना अपना वो यहाँ पर लाद लिया है और ये हमारा बिल। खैर से अल्लाह खैर करे, नहीं फंसाते नहीं होते इसको, छुपाते होते हैं। और मोस्टली ऐसा बंदा हो तो दुकान से निकलते ही गायब हो जाए, आपको नजर ना आएगा बिल। इनकी तो रब ने बना दी जोड़ी वाला साहब है, एक बंदे को जैसे खींचो दूसरे बंदे को दूसरे से खींचो। रश है ना, खींच खींच के लेकर लाइट बंद करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगता है चांद रात है तो कोई जाएगा नहीं, तो वो खोल दिया था सक्सेसफुली हो गया। अब बस भूख लगी है, सारी करनी है। आमना मामा घर पे पका रही होगा आमना ने पुलाव। हमारी अफ्तारी जो है वो गाड़ी में ही हो गई है क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं और अभी पता नहीं है ये भी कि आमना ने कुछ हमारे लिए बनाया होगा कि नहीं होगा। तो हमने ये यासिर ब्रोस्ट ब्रोस्ट ले लिया था, हमने सोचा अफ्तारी कर लेते हैं। रहमत मैडम ने सारा यासिर ब्रोस्ट खा लिया है और ये मामा के हाथ से भी पता चल रहा होगा कि मामा ने भी खा लिया। जाकर हाथ मुंह धोते हैं और फिर अफ्तारी करते हैं प्रॉपर। मामा बस ये बात हो कि अगर आमना ने ना बनाया हुआ फिर इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। उम्मीद नहीं है पर उम्मीद पर दुनिया कायम है, पर शक मुझे फिर भी है कि पता नहीं शायद अगर ना बनाया हुआ तो बहुत काम खराब होगा, बहुत काम खराब होगा। मामा औरत को हम कह के गए थे हमारे लिए अफ्तारी बना के रखना, इस औरत ने हमारे लिए अफ्तारी नहीं। मामा कैसा लगा आपको आमना का मजाक? चुप कर जाओ तुम, निकलो यार। मामा कैसा लगा? मामा कहती है आमना तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार नहीं है। अब मामा का यकीन तुमने चूर चूर कर दिया। सारा कुछ मैंने बना के रखा जो टाइम से लेट हो गए थे, पर पकाना तो था ना। अगर हमने बाहर से ना लिया होता तो फिर हम तो भूखे रह जाते ना। आमना तुमसे हमें तुम्हीं नहीं थी, बहुत ही अफसोसनाक। 10 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। हाँ 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 ओके एवरीबॉडी प्लीज लिसन, प्लीज लिसन मम्मा, प्लीज लिसन, फोकस हियर। फॉर व्हाट? ये चप्पल ले ली इन्होंने। मम्मा कौन सी चप्पल इन्होंने पहनी हुई है? वेरी नाइस। प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, कुछ सुन ला मेरी। आज तुम्हारी वजह से जो हमारा अफ्तारी में बुरा हाल हुआ ना, मेरी वजह से। मैंने मारो हमको मारो, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। मैं घंटे से यहाँ पे खड़ी बोल रही हूँ, कोई मेरी सुन लो, कोई मेरी सुन लो। इग्नोर इज द मैजिक मामा, सुन ला मेरी बात। मामा सुन लो, वापस आ जाओ। चांद रात उनको कोई चादर से लेना देना नहीं है। मेहंदी लगा के दोगी तो मेला कर दिया। ओके इनमें से एक भी चीज तुम्हारे लिए नहीं है। दिस इज माय हैम्पर, चलो फिर माय हैम्पर प्लीज गिव, प्लीज गिव ना कुछ नहीं कुछ। हम जो ये लेकर आए ना, नहीं नहीं मेरी बात सुनो। हैप्पी चांद रात, कभी और आ रही है तुमसे व्हाट इज दिस, सारा मेरे मुंह पे कर दिया। मामा को मैं बताती हूँ, परफ्यूम तब आप गिफ्ट करते जब आपको किसी से बहुत ज्यादा बदबू आती है। ये तुम्हारा मेरा शेड है, तो शौक ही नहीं होना। वो अपने लिए लादा लेके आई, इसका निकालो पकड़ो, वजह उसकी ऑफ कोर्स। पूरी शीशी रोड़ लो अपने में तुम। मामा मामा चावल चले, मामा इसकी आंखें भी उल्टी हो गई है साथ के। ऑफ कोर्स दोनों सेम है। चांद रात मुबारक होली कब भी हो रहा है। ईदी निकाल, ईदी निकाल, ईदी ईदी क्या क्या मम्मा? मैं बहुत खुश हो रही थी फातिमा की, इसको मेरे मोबाइल का नहीं पता लगा कि मेरे मोबाइल का आ रहा है, वरना अब तो कोरोना का मोबाइल घर हो और मैं उसे ना करूँ, ऐसे नहीं होता। इंसाफ करो, मेरी दो बड़ी आदत, दो आदत बड़ी बहनी मेरी ईदी की तरह। अल्लाह भला करे, निकलो यहाँ से। अल्लाह भला करे, सच
साल अल्लाह भला करे पैसे गिनने मनी क्या सुनाई नहीं कुछ तेरा मम्मा प्लीज मुझे बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा मम्मा मेरा पुलाव कैसा लगा है आपको ऐसे मजाक करके अच्छी लग रही है वजह उसकी वो कोक मुझे नजर आ रही है वो मुझे चाहिए प्लीज गिव मी वन आवर लेटर हमारा एक हार डन हो चुका है बहुत ही प्यारा किस्म का डिजाइन नहीं पा रहा मिट्टी पा रहा क्या ले अपनी सोना मम्मा ये आप कैसे जा रहे हो मेहंदी के साथ पाँव पे मम्मा दिखाओ मैं माँ की मेहंदी अब आप ऐसे जाओगे अपनी मेहंदी उचाने के लिए ओके जल्दी आना तब तक मैं अपनी मेहंदी ट्राई करती हूँ देखा मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लगी है यो ओके इतना शानदार मौसम हुआ है ना मजा आ गया लग गया बाय बाय बॉब्सी हेलो चांद रात मुबारक चांद रात मुबारक ओए इतनी प्यारी प्यारी मेहंदी वाह आपको नहीं गाती थी दूसरी वाली आपकी की मेहंदी वाह मेहंदी एक्सपर्ट खाली खाली हाथ होता है मेहंदी एक्सपर्ट बहुत सारे मेहंदी लगवानी है आ जाओ बोतल आ गई हमारी बोतल 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 रोन के प्यार से समझ लो वरना थप्पड़ मार के समझा सकती है मेहंदी ऊपर करो मेहंदी मेहंदी ये रही है चलो 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 जल्दी करो ठीक है ठीक ठीक ओके ठीक है बाजी को समझ आ रहा हमारा दूसरी साइड भी पैदा ना दूसरी अल्लाह हाफिज Two 2000 years later. मेरी भी मेहंदी लगी है फाती की भी लगी है मामा की भी रहमत की भी सबकी लगी है मामा रहमत सो गए हैं जाके मैं और फाती जो है वो भी जाग रहे थे क्योंकि फाती की मेहंदी रहती थी 4 बज रहे हैं सुबह के और अभी तक हम लोगों की सिर्फ मेहंदियां चल रही है ईद वाले दिन लगता है हम लोगों ने सोना है और हम लोगों ने इस बार प्लान बनाया था हम लोगों ने 7 बजे तक जाग जाना है बट ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे लग रहा है सारी तक सो के गुजारेंगे खैर आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत सारी चांद रात मुबारक और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ईद का ब्लॉग भी बहुत पसंद आएगा तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है मिलते हैं इंशाल्लाह कल एडवांस ईद मुबारक बाय ये रही फाती की मेहंदी का डिजाइन और अभी एक हाथ फाती का रहता है दूसरा हाथ दिखाओ खाली है वो तो ये हाथ फाती का रहता है और ये भी जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा फाती फुल नींद में है उसको कोई होश नहीं है